साथियों, जनता की ताकत असंभव को संभव बना सकती है। याद करिए, एक समय था जब देश अनाज के संकट से जूझता था, विदेश से खाने के लिए पेट भरने के लिए अनाज लाना पड़ता था। देशवासी विदेश से अनाज कब आएगा उसका इंतजार करते थे, कतार में खड़े रहते थे, वो दिन थे। लेकिन उसी दौर में इसी धरती की संतान लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का आह्वान किया तो पूरे देश के किसानों ने अन्न के भंडार भर दिए। अगर हम हमारी उस यात्रा को उसी रूप में देखते तो शायद आज भी उस आंकड़ों पर लिखने वाले पेशेवर निराशावादी कभी नहीं निकालते कि हां, ये देश आत्मनिर्भर हो सकता है। अगर नकारात्मक और निराशावादियों की चली होती तो हम आज भी अनाज को बाहर से ही मंगा रहे होते। साथियों, 2000 के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा था देश में दाल की स्थिति का। दाल के दाम अखबार में छाए रहते थे पल्सिस का। और 2014 में विजयी होने के बाद मैंने देश के किसानों को प्रार्थना की थी और मैं हैरान हूं जी, मेरे देश के किसानों ने दाल के भंडार भर दिए, रिकॉर्ड उत्पादन कर दिया। अब मेरे मन में एक और विचार चल रहा है, और जब मैं काशी पवित्र धरती पर आयो, मां गंगा के तट पर खड़ा हूं, तो मैं जरूर आज किसानों से ये बात कह रहा हूं, हम जो खाद्य तेल, खाना बनाने में जो तेल का इस्तेमाल होता है, आज उसको लेकर भी यही बात है। आखिर क्यों हमारा देश खाने वाला तेल बाहर से क्यों लाए? मैं जानता हूं, अगर देश का किसान ठान ले अपनी जमीन के दसवें हिस्से को भी तिलहन के लिए समर्पित कर दें तो तेल आयात में बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा। भाइयों और बहनों, देश बड़े संकल्प और बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति से ही आगे बढ़ता है। इच्छा शक्ति चाहिए कि जो ठान लिया वो ठान लिया, फिर उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए खुद को समर्पित कर देना होता है। सोचिए, अंग्रेज भी एक समय कहते थे, जब देश आजाद होने की दिन की चर्चा चल रही थी तो वो यही सोच करके, सपने देख करके गए थे, बड़े खुश थे कि जैसे ही हम जाएंगे ये देश टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाएगा, राजे रजवाड़े सब मैदान में आ जाएंगे, ये देश बचेगा ही नहीं, यही सोच करके गए थे। लेकिन एक सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ठान लिया कि देश की रियासतों को साथ लाना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है, तो इस संकल्प को पूरा करकर ही रुके थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है, 2001 में कच्छ के अंदर जब भयंकर भूकंप आया था, इस पिछली शताब्दी का सबसे बड़ा भूकंप था, लोग कहते थे बस खत्म, अब ये खड़ा नहीं हो सकता है, आज वो खड़ा ही हुआ, ऐसा नहीं, वो दौड़ रहा है और हिंदुस्तान के सबसे तेज गति से दौड़ने वाले जिलों में उसने अपना नाम दर्ज करा दिया। लोगों ने करके दिखाया। 5-6 साल पहले जब उत्तराखंड में तबाही आई थी तो क्या स्थिति थी? कहा जाता था कि केदारनाथ में अब यात्री नहीं आ पाएंगे, लेकिन अब देखिए पहले से कहीं ज्यादा यात्री अब केदार के दर्शन के लिए जा रहे हैं। साथियों, इस देश की ताकत को हम कम आंकना गलत है। देश ने 62 की लड़ाई और 65 की लड़ाई में हमारा देश का नागरिक जितना खुद को प्यार करता है उतना ही गोल्ड को प्यार करता है, सोने को प्यार करता है। सोना तो घर में होना ही चाहिए, ये हमारी सोच है। लेकिन जब 62 की लड़ाई हुई, 65 की लड़ाई हुई, इसी देशवासियों ने अपने गहने, अपना सोना मां भारती के चरणों में डाल दिया था। पिछले 5 साल में भी जन भागीदारी की ताकत देश ने देखी है, चाहे स्वच्छ भारत अभियान हो, गैस सब्सिडी छोड़ने की बात हो, या फिर सीनियर सिटीजन द्वारा रेलवे में कंसेशन का त्याग, ये जन भागीदारी के उदाहरण है। ऐसे ही देश बनता है, ऐसे ही देश बन रहा है।
साथियों, चाहे 1000 दिन में देश के हर गांव तक बिजली पहुंचाने का संकल्प हो, सौभाग्य योजना के तहत बिजली कनेक्शन देना हो, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय का निर्माण हो, जनधन योजना के तहत गरीबों के बैंक अकाउंट खोलना हो, हमारी सरकार की पहचान संकल्प से सिद्धि की रही है। पिछले 5 वर्षों में 1.5 करोड़ से ज्यादा गरीबों को हमारी सरकार ने पक्के घर दिए हैं। अगर पहले की सरकारों वाली है और उस समय वाली रफ्तार होती रहती तो शायद 1-2 पीढ़ी और इंतजार करने के बाद भी घर मिलता कि नहीं मिलता, वो काम हमने 5-6 साल के भीतर भीतर किया है। लेकिन हमने दिखाया कि तेज गति से काम कैसे किया जाता है। अब सरकार 2022 तक, जब आजादी के 75 साल मनाएंगे, हर गरीब को घर देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उसी प्रकार से रसोई गैस, जितने गैस कनेक्शन 2014 से पहले 60-70 सालों में देश में दिए गए थे, उससे ज्यादा गैस कनेक्शन हमने सिर्फ 5 साल में देकर के दिखा दिया है। जब संकल्प लेकर उसके लिए पूरी ईमानदारी से प्रयास किया जाता है तो संकल्प सिद्ध भी होते हैं। कुछ साल पहले क्या किसी व्यक्ति ने सोचा था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भारत का जो 142वां स्थान था वो 77वां हो जाएगा? इसी तरह फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर भी हमने लक्ष्यों को प्राप्त करके दिखाया।